लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ छोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहां हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई जूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज न करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज न करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट
आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जला कर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर, हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। किसी ने मुझसे पूछा आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है, मैंने कहा जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वो जिंदा है या मर गया है। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तो तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच में नहीं, सही और सही के बीच में होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ न हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है, हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। तीन बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है, सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं, अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं, गलत फैसलों से। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। बसा है जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है। उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमको वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। अहमियत हैसियत को मिलती है, और हम जज्बात लिए फिरते हैं। मसला ये नहीं कि तुम परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा ये है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी सरासी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है।
छोड़ दिया किसी और के ख्यालों में रहना, अब हम लोगों से नहीं खुद से इश्क करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता तो चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वो हमेशा दूसरों की कद्र करता है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। सुकून जिनकी बातों से मिलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के चार यार हों, कम हों पर वफादार हों। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। अजीब लोग हैं, दिल तोड़ कर कहते हैं कि खुश रहा करो। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। लाइफ में कौन कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरों को डुबाकर मुझे तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। खुद से दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसीलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। मैं किसी को समझ में आ जाऊं, अभी इतनी समझ किसी में नहीं है। महंगाई का दौर है जनाब, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखकर होते हैं। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वहां पर नमक जरूर लगाती हैं जहां पहले से ही जख्म होता है। दो हिस्सों में बट गए मेरे तमाम अरमान, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने निकले। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, एक दोगला यार और दूसरा झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, पर कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है, कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। ये मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान
गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज्यादा हो जाती हैं। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती हैं। सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती हैं। जिंदगी से मिला अनुभव एक सबक सिखाता है। आप उतना ही मिलो किसी से जितना वो आपसे मिलना चाहता है। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। ये यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती? लोग तो यहां पल में बिछड़ जाते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। तमाशा तो जिंदगी का हुआ है, मगर अफसोस सारे कलाकार अपने ही निकले। किसी को खोकर भी सिर्फ उसी को चाहते रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो दुनिया है जहां झूठ से तो सबको नफरत है, लेकिन सच कोई नहीं बोलता। मत करो नसीब से इतने गिले, जब रब राजी होगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं ही क्यों डरूं तुझे खोने से, तुझे कब फर्क पड़ेगा मेरे ना होने से। ढूंढते हैं तुम्हें लोग दुनिया में, और हमने तुझ में ही दुनिया ढूंढ ली। सबक तो तूने बहुत दिए हैं जिंदगी, अब इंसान को पहचानने का हुनर भी दे दे। इश्क वही है जिसमें कोई खुद को ही भूल जाए किसी और को याद रखने के लिए। कभी भी अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूट रहा हो, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। बोलना तो दूर की बात है, देखने को भी तरसेंगे वो लोग जिन्होंने मेरे विश्वास पर पानी फेरा है। झूठ किसी भी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, और लोग उसे सोचने में ही गुजार देते हैं। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। जिद है मुझे अब उसके बगैर जीने की, अब वो शख्स मिले भी तो मुझे नहीं चाहिए। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा रहा। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और कुछ अपने भी। तुम्हें खोने का डर मुझे हर लम्हा रहता था, तेरा शुक्रिया तुम जाते हुए उस डर को भी साथ ले गए। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की ही दुश्मन बन जाती है। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर तस्वीर होगी और कुर्सी खाली रह जाएगी। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। तलवार के जख्म फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। जो लोग सबका साथ देते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही अच्छा लगता है। आजकल दिल उदास है, मगर मैं हर किसी से हंसकर मिलता हूँ। सबने साथ वहीं तक निभाया जहां तक उनका मतलब था। मुझे बस इतना बता दो, क्या चाहते हो? सच में मोहब्बत है या वक्त बिताना चाहते हो? दर्द किसे कहते हैं ये उनसे पूछो जो किसी की खुशी के लिए उससे दूर हुआ हो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं। जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो खामोशी ना समझ पाए वो हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हमदर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। ये जो मेरे हालात हैं ये एक दिन सुधर जाएंगे,
लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। जिस दिन प्यार में इंसान से धोखा खा जाओगे, उस दिन से तुम्हें भी पैसों से प्यार हो जाएगा।